नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी को साथ में मिलाएंगे और एक पोस्टर बनेंगे, पर उससे पहले मेरा प्लान क्या है वो सुन लो। तो ये सीन रात का होगा, यहाँ पर जहाँ हनुमान जी ध्यान कर रहे होंगे और पीछे हनुमान जी ही खड़े होंगे दोनों साइड, और एक बॉस का टैक्स को ऊपर लगाओ जो चांद की तरह चमकीला हो। तो शुरू करते हैं। तो मैं तीनों हनुमान जी की फोटो के बैकग्राउंड रिमूव करूंगा। आपको बैकग्राउंड रिमूव करना सीखना है तो लास्ट में प्लेलिस्ट है, वहां से सब कुछ सीख सकते हो। ये तीनों के बैकग्राउंड रिमूव हो जाने के बाद अब बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूं। आपको सभी बैकग्राउंड और पीएनजी की लिंक डिस्क्रिप्शन है, तो आप भी एडिट करके मुझे इंस्टा पे टैग कर सकते हैं। मैं को देखना है आप कितने क्रिएटिव हो। पीएनजी ऐड हो जाने के बाद मैं बैकग्राउंड में हनुमान जी को अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। तो यह पे पहले हनुमान जी के पीएनजी को थोड़ा कट करना पड़ेगा, जिसे वो पत्थर के पीछे खड़े हैं ऐसा लगेगा। इसके बाद जल्दी हनुमान जी को ब्लेंड कर देता हूं बैकग्राउंड से, और यही प्रोसेस तीनों हनुमान जी के पीएनजी के साथ करेंगे। तो यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हनुमान जी का हाथ थोड़ा कट हो जाता है और ध्यान नहीं जाता है, तो दूसरे जी के पीएनजी को एडिट और एडजस्ट करने के बाद मेरा ध्यान जाता है, तो आगे मैं ठीक कर देता हूं। तो अब हमारे लास्ट हनुमान जी के पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, और ये पर पीएनजी में पैर थोड़े कट गए थे, क्योंकि इमेज ही थोड़ी सी थी कटी हुई, तो मैं उनको भी ठीक कर देता हूं और जल्दी ब्लेंड कर देता हूं। और ब्लेंड हो जाने के बाद अब शैडो बना देते हैं और किसी तरह ट्राई करते हैं कि मैच हो जाए, और जहां और लग रहा है वहां भी शैडो बना के मैच करने की कोशिश करूंगा।
और लास्ट में थोड़ा ब्लैक सा इफेक्ट, क्योंकि शेडो कभी भी पूरी तरह रियल जैसी नहीं बन सकती है, तो थोड़ा ऐसा इफेक्ट से रियल का लगता है। तो यह पर एक घंटे हो जाते हैं और लेयर भी यूज करने के लिए नहीं बचती है। तो यार प्लीज लाइक और कमेंट कर सकते हो इतने मेहनत के लिए प्लीज, और सब्सक्राइब भी कर ही दो। तो अब मैं जल्दी से बॉस टेक्स्ट लगा देता हूँ, और मैंने सोचा है कि उसको थोड़ा लाइट इफेक्ट दूंगा चांद की तरह, तो जल्दी से करके देखा लेते हैं। और मैंने इसमें भी दो टाइप की पोस्टर बनाए हैं, तो लास्ट में हो गए। तो आप बता सकते हैं कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको कमेंट में।